नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें जो रूमेटॉइड है इसका मतलब है मस्कुलो स्केलेटल डिजीज, और आर्थ का मतलब होता है जॉइंट, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो मस्कुलो स्केलेटल के जो जॉइंट्स हैं उनका इन्फ्लामेशन ही क्या कहलाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक बीमारी है, एक तो ये सिस्टमिक है, और क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब कि जो हमारे शरीर के एंटीबॉडी हैं वो ही हमारे शरीर के अगेंस्ट में काम करने लग जाते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये, क्रॉनिक है, सिस्टमिक है, दैट प्राइमरी इन्वॉल्व्स द जॉइंट। लेकिन सबसे जो मुख्य इन्वॉल्वमेंट होता है वो क्या होता है, इसका जॉइंट होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्ट्स जॉइंट लाइनिंग। जो जॉइंट की, जैसे ये जॉइंट है, इसकी जो लाइनिंग होती है इनको ये अफेक्ट करता है, कॉजेस पेनफुल स्वेलिंग। पेन के साथ वहाँ पर क्या जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन कॉज बोन इरोजन, और लॉन्ग टर्म तक यदि ये रहता है तो बोन इरोजन होने लगता है और जॉइंट डिफॉर्मिटी आ जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉजेज डैमेज मीडिएटेड बाय साइटोकाइंस, कीमोकाइंस एंड मेटालोप्रोटीज़ेस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डैमेज जो होता है वो किस वजह से होता है, किन के द्वारा मीडिएटेड होता है, तो साइटोकाइन के द्वारा, कीमोकाइन के द्वारा और मेटालोप्रोटीज़ेस के द्वारा। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई डिफ्यूज इन्फ्लामेशन एंड डीजनरेशन इन द कनेक्टिव टिश्यू। तो ये भी इसके लिए स्पेसिफिक है कि इसमें डिजेनरेशन किस में होता है, कनेक्टिव टिश्यूज में होता है। अब हम जानेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो ये ऑटो इम्यून रिएक्शन होती है इसमें, सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑटो इम्यून रिएक्शन प्राइमरी अकर्स इन साइनोवियल टिश्यूज में होती है। तो ये जो है इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये साइनोवियल फ्लूड रहता है इसमें, तो ये किस में होती है, साइनोवियल टिश्यूज में होती है सबसे पहले। देन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस प्रोड्यूस एंजाइम विद इन द जॉइंट। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जॉइंट में। देन आता है कॉलेजन ब्रेकडाउन, उसके बाद में क्या स्टेप आती है, कॉलेजन ब्रेकडाउन की। द एंजाइम ब्रेक्स डाउन कॉलेजन कॉजिंग एडिमा, प्रोलिफरेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड अल्टीमेटली पेनस फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है। तो इस एंजाइम की वजह से कॉलेजन होता है और कॉलेजन ब्रेकडाउन होता है और एडिमा हो जाता है वहाँ पर, और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोलिफरेट हो जाती है और पेनस फॉर्मेशन हो जाता है। देन पेनस की वजह से क्या होता है, डेस्ट्रॉय कार्टिलेज डेस्ट्रॉय होते हैं और इरोड द बोन, डैमेज होने लगता है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकलते हैं, द कॉन्सिक्वेंसेज आर लॉस ऑफ आर्टिकुलर सरफेस एंड जॉइंट मोशन। ये जो आर्टिकुलर सरफेस होती है जॉइंट की, इसका क्या होने लग जाता है, लॉस होने लग जाता है और जॉइंट मोशन का भी लॉस होने लग जाता है। देन डीजनरेटिव चेंजेज आते हैं, मसल फाइबर अंडरगो डीजनरेटिव चेंजेस एंड टेंडन एंड लिगामेंट इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल पावर आर लॉस्ट। इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल पावर क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। देन हम जानेंगे कॉजेज के बारे में, कॉजेज क्या होते हैं, जेनेटिक। तो पीपल विद ए स्पेसिफिक जीन मार्कर कॉल द HLA, ये एक स्पेसिफिक जीन मार्कर है HLA, जिनमें ये होता है उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके होने के। दूसरा है इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे कि बैक्टीरिया वायरस में ट्रिगर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। देन फीमेल में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं डिजीज के, क्यों होते हैं वो, फीमेल हार्मोन की वजह से। 70% ऑफ पीपल विद आर ए आर वुमेन एंड दिस अकर बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द फीमेल हार्मोन्स। देन आता है एनवायरमेंटल कॉज, एनवायरमेंटल फैक्टर में सच एज एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन एंड इंसेक्टिसाइड, इसका भी प्रभाव पड़ता है किस पे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यदि व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, एयर पॉल्यूशन में है, इंसेक्टिसाइड्स हैं वहाँ पर, तो ये इन्फेक्शन या कह सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है।
द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन. सिम्टम्स ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन, जो सिम्टम्स आते हैं पेन के और इन्फ्लामेशन के, जॉइंट्स में तो आते ही हैं. और किन किन जॉइंट में भी आते हैं? फिंगर, हैंड, रिस्ट, नीज, एंकल, फीट और टोज, इनमें ज़्यादातर आते हैं. आर ए यूजली स्टार्ट टू डेवलप बिटवीन द एज ऑफ 30 एंड 60. 30 से 60 की उम्र के बीच में ज़्यादातर ये डेवलप होता है. बट एनी वन कैन डेवलप रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट, यूजली बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 40 के बीच में ये होता है. इसको कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड यंग ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यूरा, बाई यू आर ए यंग ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं. इन पीपल हु डेवलप सिम्टम्स आफ्टर दे टर्न 60 के बाद यदि होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लेटर ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस या लोरा, LORA. अब पढ़ेंगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में रूमेटॉइड आर्थराइटिस से. तो इसमें दो, एक तरह से कह सकते हैं हम, एक्टिविटी स्टेज होती हैं. एक होता है इसमें फ्लेयर और एक होता है इसमें रिमिशन. तो मैनी पीपल हैव टाइम विद सिम्टम्स एंड देन टाइम विद नो सिम्टम्स. तो रिमिशन क्या है? जिसमें व्यक्ति के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. और फ्लेयर क्या है? जिसमें कि उसके लक्षण दिखाई देते हैं. पीरियड्स ऑफ इंक्रीज डिजीज एक्टिविटी कॉल्ड फ्लेयर, जो डिजीज एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है. अल्टरनेट विद पीरियड ऑफ रिलेटिव रिमिशन व्हेन द स्वेलिंग एंड पेन फेड और डिसअपियर. अब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जान लेते हैं. पेन होता है, स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस, अकड़न आ जाती है, एंड टेंडरनेस, छूने पर वहाँ पर क्या होता है, पेन होता है मोर देन वन जॉइंट. देन स्टिफनेस स्पेशली इन द मॉर्निंग में ज़्यादा होती है और आफ्टर सिटिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड, एक जगह पे काफ़ी देर बैठ रहे हैं तो उसके बाद में. देन पेन एंड स्टिफनेस इन द सेम जॉइंट ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, दोनों तरफ की जो जॉइंट हैं, सेम जॉइंट है, मान लो रिस्ट जॉइंट है तो दोनों तरफ की रिस्ट जॉइंट पे दोनों सिमेट्रिक सिम्टम हो गए हैं. इसमें फटिक, थकान हो जाना, एक्सट्रीम टायर्डनेस हो जाना, वीकनेस आना और फीवर आना. टिपिकली स्टिफनेस लास्ट 60 मिनट्स से ज़्यादा, ये स्टिफनेस होती है आफ्टर राइजिंग इन द मॉर्निंग. जैसे सुबह उठे तो 60 मिनट से ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, उसके बाद में स्टिफनेस ख़त्म होती है. मे अगर आफ्टर एनी प्रोलॉन्ग इनएक्टिविटी कॉल्ड जेलिंग. तो जेलिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा इनएक्टिविटी, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद स्टिफनेस रहती है. द जॉइंट प्राइमरली इन्वॉल्व इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन से जॉइंट प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं? तो ये होते हैं रिस्ट, देन इंडेक्स सेकेंड एंड मिडिल थर्ड फिंगर. मेटा कार्पो फेलेंजियल जॉइंट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, कौन सा जॉइंट? मेटा कार्पो फेलेंजियल जॉइंट, जो कि फिंगर्स में है. प्रॉक्सिमल इंट्राफेलेंजियल जॉइंट, मेटा टार्सो फेलेंजियल जॉइंट, पैर की जो उंगली होती है उनमें. देन शोल्डर भी इन्वॉल्व होता है, एल्बो भी इन्वॉल्व होता है, हिप्स, नीज एंड एंकल्स. देन आते हैं असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स. तो सेवरल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द डायग्नोसिस में आता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टाइटर, TNA टाइटर. स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रूमेटिक डिसऑर्डर एलिवेटेड इन 25% to 30% ऑफ आर ए पेशेंट. ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनमें से 25 से 30% में ये बढ़ा हुआ रहता है. फॉलोअप टेस्ट आर नीडेड फॉर स्पेसिफिक रूमेटॉइड डिसऑर्डर. इसके बाद कौन से फॉलोअप टेस्ट किए जाते हैं? एंटी आर एन पी इज यूज फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सिस्टमिक रूमेटिक डिजीज. तो एक हो गया इसमें ANA टाइटर. देन दूसरा डायग्नोसिस के लिए क्या है? रूमेटिक फैक्टर पॉजिटिव होता है मोर देन 80% ऑफ केसेस में. जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस हैं उनमें से 80% से जो ज़्यादा केसेस होते हैं उनमें ये होता है. रोज वॉलर टेस्ट भी बोलते हैं इसको. देन लेटेक्स फिक्सेशन पॉजिटिव इन 75% ऑफ टिपिकल केसेस. देन एग्लूटिनेशन रिएक्शन पॉजिटिव इन मोर देन 50% ऑफ टिपिकल केसेस. सीरम कॉम्प्लीमेंट C3 C4 इंक्रीज इन एक्यूट ऑनसेट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में C3 और C4 बढ़े हुए रहते हैं. और इम्यून डिसऑर्डर में भी एग्जॉशन रिजल्ट इन डिप्रेस टोटल कॉम्प्लीमेंट लीवर. देन आता है ESR एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. ESR होती है ये ग्रेटली
यूजुअली ग्रेटली इंक्रीज 80 to 100 mm per hour में रिटर्न टू नॉर्मल एज सिम्टम इम्प्रूव. तो ये भी बढ़ी हुई रहती है क्या ESR. देन CBC यूजुअली रिवील मॉडरेट एनीमिया. WBC इज एलिवेटेड व्हेन इंफ्लामेटरी प्रोसेस आर प्रेजेंट. तो WBC जब बढ़ी हुई रहेंगी, जब इंफ्लामेटरी प्रोसेस रहेगी और वैसे मॉडरेट एनीमिया होता है. देन आता है इम्यूनोग्लोबुलिन IgM एंड IgG. एलिवेशन स्ट्रॉन्गली सजेस्ट ऑटो इम्यून प्रोसेस एज कॉज ऑफ फोर RA. यदि ये बड़े हुए हैं तो इसका मतलब ऑटो इम्यून प्रोसेस बताती है जो कि RA का कॉज होती है. देन एक्सरे ऑफ इन्वॉल्व जॉइंट्स रिवील सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, इरोजन ऑफ जॉइंट एंड ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ एडजेसेंट बोन, अर्ली चेंजेस प्रोग्रेसिंग टू बोन सिस्ट फॉर्मेशन, नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस, सबलैक्सेशन, कंकरेंट ऑस्टियो आर्थराइटिक चेंजेस, ये सब इसमें दिखाई देते हैं. रेडियो न्यूक्लाइड स्किन भी करते हैं इसमें, इससे क्या आइडेंटिफाई होता है, इनफ्लाम साइनोवियम. देन डायरेक्ट आर्थरोस्कोपी की जाती है. विजुलाइजेशन ऑफ एरिया रिवील बोन इरेगुलरिटीज, डीजेनरेशन ऑफ जॉइंट, इससे पता चलता है. देन साइनोवियल या फ्लूड एस्पायरेट भी किया जाता है इसमें, साइनोवियल फ्लूड का. वॉल्यूम ग्रेटर देन नॉर्मल, ओपेक, क्लाउडी येलो होता है यदि अपेयरेंस में. इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स, ब्लीडिंग, डिजेनरेटिव बेस प्रोडक्ट, एलिवेटेड लेवल ऑफ WBC एंड ल्यूकोसाइट, डिक्रीज विस्कोसिटी एंड कॉम्प्लीमेंट C3 एंड C4. देन साइनोवियल मेम्ब्रेन बायोप्सी इसकी भी की जाती है, रिवील इंफ्लामेटरी चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ पेनस, जो फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में बताता है. देन आता है ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में लाइफ स्टाइल चेंजेस, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, न्यूट्रिशनल थेरेपी, मेडिकेशन और सर्जरी, ये सब चीज़ होती हैं. गोल क्या होता है RA ट्रीटमेंट का, रूमेटाइड आर्थराइटिस ट्रीटमेंट का, तो इसका गोल होता है स्टॉप इन्फ्लामेशन को, स्टॉप करें, रिड्यूस इट टू द लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर ले जाएं इसको, पुट डिजीज इन रिमिशन, रिमिशन में पहुंचा दें डिजीज को, सिम्टम्स को रिलीव करें, प्रिवेंट जॉइंट एंड ऑर्गन डैमेज को प्रिवेंट करें, इम्प्रूव फंक्शन एंड ओवरऑल वेलबींग, रिड्यूस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन. मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ रेस्ट एंड एक्सरसाइज प्लान फॉर अ पेशेंट विद RA. बायोलॉजिक रेस्पॉन्स मॉडिफायर, ये क्या है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अप्रोच है RA के लिए. बायोलॉजिक रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैज. देन आता है थेरेपी, ए फॉर्मल प्रोग्राम विद ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपी इज प्रेस्क्राइब टू एजुकेट द पेशेंट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोटेक्शन, पेसिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी और रेस्ट में एक अंतराल होना चाहिए, वर्क सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए जॉइंट्स में, एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. न्यूट्रिशन में एम्फेसिस दिया जाता है विटामिन्स को, प्रोटीन्स को एंड RN को, फॉर टिश्यू बिल्डिंग एंड रिपेयर. मेडिकेशन में NSAID दी जाती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं पेन को रिलीव करने के लिए और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए. स्टेरॉयड प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, कॉर्टिकल स्टेरॉयड मेडिकेशन जैसे कि प्रेडनिसोन, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड पेन एंड स्लो जॉइंट डैमेज को स्लो कर देते हैं. देन कन्वेंशनल DMARDS, ये क्या होते हैं, दिस ड्रग्स कैन स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ रहा है रोग, उसको ये क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, सेव द जॉइंट, जॉइंट को सेव करते हैं एंड अदर टिश्यूज फ्रॉम परमानेंट डैमेज. कॉमन DMARD इंक्लूड मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन. बायोलॉजिक एजेंट्स में बायोलॉजिक रेस्पॉन्स मॉडिफायर जो भी पढ़ा था हमने, न्यूर क्लास ऑफ DMARDs हैं ये, और ये भी क्या करते हैं, उसको आगे प्रोग्रेस होने से रोकते हैं. इसमें हैं एबेटासेप्ट एंड एडालिम्युमैब. नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर परसिस्टेंट इरोजिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस. इरोजन हो रहा है बोन का और परसिस्टेंट लगातार हो रहा है, तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है. रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज इंडिकेटेड व्हेन पेन कैन नॉट बी रिलीव, जबकि पेन रिलीव नहीं हो रहा है बाय कंजर्वेटिव मेजर से, एंड द थ्रेट ऑफ लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस इज एमिनेंट. और ये हो कि भाई इंडिपेंडेंस आदमी की
लॉस होने वाली है, क्योंकि उसके जो जॉइंट्स है वो काम नहीं करेंगे, तो इस स्थिति में की जाती है टेनोरेफी सर्जरी की जाती है। टेनोरेफी क्या है? इज द सूचरिंग ऑफ ए टेंडन, टेंडन की इसमें सूचरिंग की जाती है। और कौन सी सर्जरी होती है इसमें? आर्थ्रोडेसिस। आर्थ्रोडेसिस क्या है? सर्जिकल फ्यूजन है किसका? जॉइंट्स का सर्जिकल फ्यूजन क्या कहलाता है? आर्थ्रोडेसिस। देन है आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? इज द सर्जिकल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट, सर्जिकली रिपेयर करना और रिप्लेस करना जॉइंट को। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सर्जरी में इन्वॉल्व वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। और क्या क्या किया जाता है इसमें? साइनोबैक्टोमी भी की जाती है। सर्जरी टू रिमूव द इन्फ्लाम्ड लाइनिंग ऑफ द जॉइंट, जो जॉइंट की लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाती है साइनोबियम, उसको रिमूव करने के लिए क्या की जाती है? साइनोबैक्टोमी की जाती है। कैन हेल्प रिड्यूस पेन एंड इम्प्रूव द जॉइंट्स फ्लेक्सीबिलिटी, तो इससे पेन तो रिलीव होता है और जॉइंट क्या हो जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है उसकी। अब आता है कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इजीली फ्रैक्चर हो जाता है इसमें। रूमेटॉइड नोड्यूल बन जाती हैं, दिस फॉर्म बम्प और टिश्यू, मोस्ट कॉमनली कहाँ पर बनती है? प्रेशर पॉइंट्स में, जैसे कि एल्बो पे। हाउएवर दिस नोड्यूल कैन फॉर्म एनी वेयर इन द बॉडी इंक्लूडिंग द हार्ट और लंग में भी बन जाती हैं। इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? ड्राई आई, सूखी हो जाती हैं आँखें और माउथ। पीपल हु हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर मच मोर लाइकली टू डेवलप जोग्रेन सिंड्रोम, ए डिसऑर्डर दैट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द आई एंड माउथ। देन आता है इन्फेक्शंस, द वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट डिजीज सच एज इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, शिंजल्स एंड कोविड-19, ये भी हो सकता है इन्फेक्शन। एबनॉर्मल बॉडी कंपोजिशन, द प्रोपोर्शन ऑफ फैट टू लीन मास इज ऑफन हायर इन पीपल हु हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इसमें जो फैट का प्रोपोर्शन है वो क्या होता है? हायर होता है, इवन इन दोज हु हैव ए नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, उनमें भी। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, लंग डिजीज हो सकती है, और लिम्फोमा हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ लिम्फोमा, ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर इन द डेवलपिंग लिम्फ सिस्टम। देन जानेंगे इसके नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में, एक्यूट और क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीज डिजीज एक्टिविटी, टिश्यू डैमेज, फटिग और लोअर टॉलरेंस लेवल, इनकी वजह से क्या होना? एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन होना। दूसरा है फटिग होना रिलेटेड टू इंक्रीज डिजीज एक्टिविटी, पेन, इनएडिक्वेट स्लीप, रेस्ट, डिकंडीशनिंग, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड इमोशनल स्ट्रेस और डिप्रेशन। इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी होना रिलेटेड टू डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, मसल वीकनेस, पेन ऑन मूवमेंट, लिमिटेड एंड्योरेंस, लैक और इम्प्रॉपर यूज ऑफ एम्बुलेटरी सर्विस। इसके अलावा सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्चर्स, फटिग और लॉस ऑफ मोशन। देन डिस्टर्ब बॉडी इमेज, जॉइंट सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो रिलेटेड टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज एंड डिपेंडेंसी इम्पोज बाई क्रॉनिक इलनेस। इसके अलावा इनफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड टू एक्चुअल और परसिव लाइफ स्टाइल ऑफ रोल चेंज। देन आता है नर्सिंग इंटरवेंशन, इसमें होगा रिलीफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट को रिलीव करना। इसके लिए आएगा प्रोवाइड वैरायटी ऑफ कंफर्ट मेजर प्रोवाइड करना, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ हीट और कोल्ड, मसाज, पोजीशन चेंज, रेस्ट, होम मैट्रेस, सपोर्टिव पिलो, स्प्लिंट, रिलैक्सेशन टेक्निक, डाइवर्जनल एक्टिविटी, ये सब देना। एडमिनिस्टर एंटी इंफ्लामेटरी एनाल्जेसिक स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटिक मेडिकेशन देना, जो क्योंकि प्रेस्क्राइब है। इंडिविजुअलाइज मेडिकेशन सेल्यूट टू मीट पेशेंट नीड फॉर पेन मैनेजमेंट, एनकरेज वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग अबाउट पेन एंड क्रॉनिसिटी ऑफ द डिजीज, वो अपना बताए कि दर्द के बारे में और कितनी पुरानी बीमारी है, वो वर्बलाइजेशन करें। टीच पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन, उसको टीच करेंगे रूमेटिक डिजीज की, पेशेंट टू रिकोगनाइज दैट पेन ऑफन लीड्स टू अनप्रूवन ट्रीटमेंट मैथड्स, असिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेन दैट लीड टू यूज ऑफ अनप्रूवन मैथड ऑफ ट्रीटमेंट। थोड़ा सा रिड्यूसिंग फटिक, फटिक को कैसे रिड्यूस करेंगे? इसमें डिस्क्राइब कंफर्ट मेजर्स वाइल प्रोवाइडिंग देम, स्लीप रूटीन बनाएंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक, और एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट फॉर रिलीविंग जो भी पेन है और या आर्थराइटिस है उसके लिए, इमोशनल स्ट्रेस के लिए। एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक का कैसे यूज़ करना, पेसिंग, डेलीगेशन सेटिंग, प्रायोरिटीज सेट करना,
आइडेंटिफाई फिजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स दैट कैन कॉज फटीग, फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट एक्टिविटी रेस्ट शेड्यूल, एनकरेज एडिक्वेट न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ आयरन फ्रॉम फूड एंड सप्लीमेंट, इंक्रीज मोबिलिटी, मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, एनकरेज वर्बलाइजेशन रिगार्डिंग लिमिटेशन इन मोबिलिटी के बारे में वो बताए, असेस नीड फॉर ऑक्यूपेशनल और फिजिकल थेरेपी कंसल्टेशन, एम्फेसाइज रेंज ऑफ मोशन ऑफ अफेक्टेड जॉइंट, प्रमोट यूज ऑफ असिस्टिव एम्बुलेटरी डिवाइसेस, एक्सप्लेन यूज ऑफ सॉफ्ट फुटवेयर, यूज इंडिविजुअल अप्रोप्रिएट पोजिशनिंग एंड पोस्चर, फैसिलिटेटिंग सेल्फ केयर, असिस्ट पेशेंट टू आइडेंटिफाई सेल्फ केयर डेफिसिट एंड फैक्टर दैट इंटरफेयर विद एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज। इसके अलावा इम्प्रूविंग बॉडी इमेज एंड कॉपिंग, इसके लिए स्किल सिखाना, हेल्प पेशेंट आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर डिजीज सिम्टम एंड ट्रीटमेंट, देन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करना और मैनेज करना, हेल्प पेशेंट रिकॉग्नाइज एंड डील विद साइड इफेक्ट फ्रॉम मेडिकेशन, मॉनिटर फॉर मेडिकेशन साइड इफेक्ट जैसे कि GI ट्रैक ब्लीडिंग, इरिटेशन, बोन मैरो सप्रेशन, किडनी और लीवर टॉक्सिसिटी, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, माउथ सोर, रैशेज, चेंजेस इन विजन, अदर साइन सिम्टम इंक्लूडिंग ब्रूजिंग। तो आज का हमारा टॉपिक था रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।